नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, सभी जिलों के डीएम को दिया गया ये निर्देश। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दी गई है। इस बीच नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस बड़े फैसले से प्रशासनिक कर्मियों को थोड़ी राहत मिली है। सरकार ने इस बार पुराने आरक्षण के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि वार्ड से लेकर जिला परिषद तक आरक्षण नियमावली के अनुसार जो भी सीट आरक्षित है उसकी सूची 48 घंटे के अंदर पंचायत स्तर तक सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि किसी भी उम्मीदवार को नामांकन करने में कोई परेशानी न हो। पंचायत चुनाव में इस बार रोस्टर नहीं बदलने वाला है, पहले की तरह ही पद आरक्षित रहेंगे। यानी कि जैसे पिछले चुनाव में हुआ था वैसे ही इस बार भी चुनाव कराया जाएगा। पहले की तरह आरक्षित पद के अनुसार पंचायत चुनाव में ही पिछड़े वर्ग के 127 जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पंचायत चुनाव में इन जाति के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र सौंपना होगा। जाति प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर उनका नामांकन पत्र रद्द होगा और गलत जाति प्रमाण पत्र देने पर उनकी सदस्यता चली जाएगी। गौरतलब हो कि नीतीश कैबिनेट की ओर से राज्य में नए नगर निकायों के गठन की मंजूरी दी है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों व ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन 2021 के विभिन्न पदों को डिजिटाइज कर दिया जाए। 18 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन रुका, कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही का आरोप। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है, साथ ही साथ प्रोटोकॉल का पालन भी कराया जा रहा है। इसे लेकर सरकार और जिला प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी इस वैश्विक महामारी को लेकर जारी आदेश को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके कारण बड़ी कार्रवाई करते हुए बेगूसराय के सभी 18 प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के वेतन अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बेगूसराय के सभी 18 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर सभी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने बताया कि कोविड-19 के टीकाकरण से संबंधित प्रतिवेदन 2 प्रपत्र में प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन किसी भी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी ने अधूरा प्रतिवेदन भेजा, जिसके कारण जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप कोविड-19 का टीकाकरण नहीं होने के कारण चिंता व्यक्त की गई। इसके बाद सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इसके लिए रिमाइंड भी किया गया, लेकिन किसी ने इस महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। पटना समेत कई जिलों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म, टीकाकरण के लिए आए लोग निराश लौटे। पटना समेत बिहार के कई स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का स्टॉक कम पड़ गया है, कई जिलों में वैक्सीन है ही नहीं। वहीं पटना में भी स्टॉक कम पड़ने के कारण चुनिंदा लोगों को ही वैक्सीन दी गई। बिहार सरकार को वैक्सीन के नए खेप का इंतजार है। अगर भारत सरकार ने नई खेप नहीं पहुंची तो कल से स्थिति और खराब होगी। दरभंगा में वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। राजधानी पटना में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण गुरुवार को वैक्सीनेशन का काम थम गया। जिला प्रशासन ने स्टॉक में कम वैक्सीन होने के कारण सिर्फ उन्हें वैक्सीन दिया जो दूसरा डोज लेने आए थे। पहला डोज लेने आए लोगों को दूसरे दिन आने को कहा गया। दानापुर के रेलवे अस्पताल में वैक्सीन पूरी तरह खत्म होने के कारण वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पाया। हालांकि कुछ अस्पतालों में पहले से स्टॉक मौजूद था, लिहाजा यहां वैक्सीनेशन का काम चला, लेकिन पटना जिले के वैक्सीनेशन भंडार में स्टॉक लगभग खत्म होने पर है। स्टॉक कम पड़ जाने के कारण पटना में वैक्सीन लेने वालों का शेड्यूल बदल दिया गया है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया को बताया कि वैक्सीन के स्टॉक में कमी होने के कारण पहली डोज लेने वालों की अपेक्षा दूसरी डोज लेने वालों को वरीयता दी जा रही है। जिला प्रशासन बैठक कर वैक्सीनेशन के शेड्यूल के बारे में फैसला ले रहा है। हालांकि रात तक वैक्सीन की नई खेप पहुंचने की उम्मीद है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में खुला नौकरी का पिटारा, 5,500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, गृह विभाग और मेट्रो में बम्पर बहाली। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में
नौकरी का पिटारा खुला है। राज्य के विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर बहाली की स्वीकृति मिली है। गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अलावा पटना मेट्रो में भी बहाली की स्वीकृति मिली है। विभिन्न विभागों में लगभग 5,500 से अधिक पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। गृह विभाग में खाली पड़े 218 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है। आपराधिक घटनाओं की जाँच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटे से कुल 218 पदों की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पटना मेट्रो में 188 पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 पदों की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग में 4,503 पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। विधि विभाग में 48 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 403 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है। गौरतलब हो कि बुधवार को सुबह 11:30 बजे से ही देशरत्न मार्ग स्थित मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। होली के कारण बिहार में भी इन दिनों पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। बिहार सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं और लोगों से भी एहतियात बरतने की बार बार अपील की जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। मंगल पांडे ने कहा है कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया है। बुधवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह सचेत है, सरकार सतर्क होकर काम कर रही है। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई है, रोज तकरीबन 60,000 से 70,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है उसकी तुलना में बिहार में स्थिति ठीक है। राज्य में लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। बिहार में फिलहाल 1500 के आसपास एक्टिव केस हैं, किसी किसी जिले में बहुत कम एक्टिव केस हैं, लिहाजा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे हालात अभी नहीं बने हैं। बिजली बिल भरने में लापरवाही भारी पड़ेगी, लग जाएगा सरचार्ज। जी हां, बिहार में बिजली की नई दर लागू होने वाली है। 1 अप्रैल यानी कि आज से 31 मार्च 2022 तक राज्य के करीब 1,66,60,541 उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। नए दर के मुताबिक सभी पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 1.5% सरचार्ज देना होगा। इस प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अभी तक बिहार में बकाया बिजली बिल पर 1.25% सरचार्ज था, लेकिन आज से उपभोक्ताओं को 1.5% सरचार्ज देना होगा। अब मीटर रीडिंग पर बिलिंग होने के 15 दिन के अंदर बिजली बिल जमा नहीं करने पर 1.5% सरचार्ज लगेगा और 2 महीने से ज़्यादा होने पर बिजली काटने की कार्रवाई होगी। जान ले रहा है नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, पानी भरते ही ध्वस्त हुई नल जल योजना की टंकी, दबकर 1 की मौत 3 घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय हर रोज बिहार में फैले भ्रष्टाचार की नई कहानी सामने ला रहा है। रोहतास जिले के नोखा इलाके के रामनगर गाँव में एक और बानगी देखने को मिली। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत बनी पानी टंकी जैसे ही पहली दफे पानी भरा गया वह ध्वस्त हो गया। टंकी के मलबे से दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर गांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। शुक्रवार को उसका ट्रायल किया जा रहा था। दोपहर के करीब 12 बजे जैसे ही टंकी में पानी भरा गया वैसे ही पूरी टंकी धराशायी होकर गिर पड़ी। पानी की टंकी ऐसे ध्वस्त हुई जैसे रेत की दीवार गिरती हो। रामनगर गांव में जब पानी की टंकी चालू हो रही थी तो कई लोग उसे देखने के लिए खड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि टंकी के चालू होने से गांव में पीने के पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार ने जान ले ली। ध्वस्त हुई टंकी की चपेट में आने से रामनगर के रहने वाले 62 साल के काड़ीलाल चौधरी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं रामनगर गांव के ही बबन चौधरी के 22 वर्षीय बेटे दीपाली कुमार, अंबिका चौधरी के 14 वर्षीय बेटे मनीष कुमार उर्फ मिस्टर और मृतक काड़ेलाल चौधरी के 18 वर्षीय बेटे नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रम संसाधन विभाग ने निजी ITI में पढ़ाई करने वाले सभी छात्र छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेंडेंस को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है, जिसके बाद राज्य के निजी ITI के छात्र बिना क्लास किए परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। विभाग के मुताबिक
निजी ITI में दूसरे राज्यों से छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जा रहा है, लेकिन वह क्लास नहीं कर रहे हैं। इसका कारण 80% बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बिना क्लास किए कोई भी छात्र परीक्षा में नहीं बैठे। जून में विभागीय समीक्षा होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि किस ITI में कितने छात्र हैं, कितनों ने नियमित क्लास किया है और उनका अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम में मिलान होगा। उसके बाद उस छात्र को परीक्षा टिकट दिया जाएगा। आज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण का कार्य नहीं होगा, इसकी जगह नियमित टीकाकरण का कार्य इन इलाकों में होगा। वहीं शहरी क्षेत्र में कोविड टीकाकरण का कार्य अन्य दिनों की तरह जारी रहेगा। नियमित टीकाकरण के तहत बच्चों के विभिन्न तरह के टीके लगाए जाते हैं, इसकी जानकारी मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से दी गई। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कोरोना की रोकथाम एवं बचाव के लिए विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों आदि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई। राज्य में मंगलवार को कुल 1080 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसमें पटना जिले में 486 नए संक्रमित भी शामिल है। मंगलवार को 8134 सैंपलों की जांच की गई। राज्य भर में 4954 एक्टिव कोरोना के मरीज हैं। कोरोना की वजह से ICU में इलाज करा रहे मरीजों में पेट संबंधित परेशानी अधिक देखने को मिल रही है। 20-25% ICU मरीजों को डायरिया और पेट में दर्द की परेशानी बढ़ गई है, जबकि 30% मरीजों ने उल्टी व भूख न लगने की संबंधित शिकायत की है। यह समस्या शहर के पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देखने को मिल रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पहली लहर में कोरोना के गंभीर मरीजों ने सांस लेने में दिक्कत अधिक देखने को मिल रही थी, जबकि दूसरी लहर में पेट संबंधित परेशानी बढ़ गई है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।